पांच बाण जो कर्ण से दान में मांगे थे उनको लेकर के महारानी कुंती श्री कृष्ण जी के पास में आ गई। वो पांचों बाण श्री कृष्ण जी को सौंप दिए। 16वें दिन का युद्ध हुआ, लेकिन कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं जाने दिया, भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा, क्योंकि पता था कर्ण के पास में कवच और कुंडल जो दान में मांगकर इंद्रदेव ले गए, एक शक्ति देकर के गए हैं, उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर करवा दिया। 17वें दिन के युद्ध में श्री कृष्ण जी ये बेफिक्र हो गए कि अब कर्ण के पास में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बचा हुआ जिससे अर्जुन के प्राणों को कोई नुकसान हो सके। पांच बाण अपने पास में सुरक्षित कर रखे हैं श्री कृष्ण जी महाराज ने। 17वें दिन का युद्ध हो रहा है, एक तरफ कर्ण का रथ है, दूसरी तरफ अर्जुन का। कर्ण के रथ को मामा सल्ल हांक रहे हैं तो अर्जुन के रथ पर स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान सारथी बने हैं। दोनों तरफ से बाण चलते हैं, बार बार अपने बाणों के प्रहार से कर्ण के रथ को अर्जुन कभी तो 7 कदम कभी 10 कदम पीछे की तरफ हटाते हैं। लेकिन जब बार बार रथ को पीछे हटता देखा कर्ण ने, तो रणभूमि में सोच कर्ण को, रणभूमि में सोच कर्ण को ना चले काम रटने से, अब बेशक बेड़ा पार हो श्री सतगुरु के रटने से। एक मारा बाण कर्ण बलि ने, अर्जुन बच गया कटने से, और फिर होश बिगड़ के कृष्ण के रथ 3 कदम हटने से एक ऐसा बाण चलाया कर्ण ने अर्जुन के ऊपर के अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे की तरफ हटा दिया। रथ को पीछे हटता देखा कृष्ण जी के मुख से आवाज निकली, अरे वाह शाबाश कर्ण, तुझे भी और तेरी जननी मां को भी। कर्ण के नाम की शाबाशी सुनी तो अर्जुन ने अपने धनुष और बाण रोक लिए और एक प्रश्न करने लगते हैं। तो वहां पर किस तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है सुनेंगे। यहां पर अर्जुन के रोल पर भाई नीरज भाटी और श्री कृष्ण जी के पार्ट पर जयवीर भाटी, दोनों कलाकार इस रागनी को सवाल जवाब के रूप में सुना रहे हैं। कैसे बोला, ओ मरूंगा मुझे बतला दो ये भेद, क्या खेद है कैसा ये अर्जुन को भारी, मरूंगा बतला दो ये बट जाने से। 7 कदम रथ फेंक्या था जब कर्ण बचा कट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया होगी रात अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। हो कदे मुख से दू मैं कांड हार्ड फेल हो तेरा बतला दो ये भेद। ओ करण ना नजर में मेरी, करण ना नजर में मेरी, काम करा जबर नहीं शाबाशी की धवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे
बिना सुने सबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं ले थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन ले थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन मान तो घटा क्या करण पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या करण तीन कदम अरे तीन कदम तीन लोक हमें पीछे ने हटा क्या करण तीन कदम तीन लोक हमें पीछे ने हटा क्या करण हो बाण मारे भरी के जोश रे हाँ जोश रे बाण मारे भरी के जोश होश नहीं धरण तलक कस खारी मरूंगा बतला दो ये भेद अर्जुन महाराज करण के बाणों से तेरा रथ तीन कदम पीछे जाने का मतलब तीनों लोगों के अंदर आज तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान हल्का कर दिया है महाराज। हाँ आप भूल में हो। मैं भूल में नहीं तुम अहंकार में हो। ये करण जैसा योद्धा तुझे योद्धा नजर नहीं आ रहा इसलिए करण को हल्के में ले रहे हो। हल्के में ही लूंगा मैं तो करण को खास परिचय नहीं है इसका मेरी नजरों में। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है। बताओ जिस टाइम राजा कंवल नयन की गऊओं को घेरने के लिए पूरा कौरव दल गया था ना जी उस समय करण भी मौजूद था उन योद्धाओं में और वो मेरे अकेले का सामना नहीं कर पाया था पूरा दल पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य वहां से जिस समय वापिस आए तो उस समय केवल गमछा ही उनके कंधे पर था बाकी उनकी धोतिया तो वहीं रह गई थी। अच्छा हाँ ये बहुत बढ़िया करा लेकिन मेरी बात सुन ले अर्जुन एक आध बार दाव लग जाता है तने एक बाण चला करके बेहोशी ला दी योद्धाओं को उसके बाद में वस्त्र उतार लिया तो न्यू कह रहा केवल गमछा में आए। आपको मालूम है इस बात की? मुझे सब मालूम है। अच्छा हाँ पर एक आध बार दाव लग जाता कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि तकड़े पहलवान को हल्का सा पहलवान भी पटक लगा जा। दाव नहीं दाव ही था तेरा। नहीं इस करण की छाती में घाव करने के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार रहा हूं हमेशा से। इस करण की बदौलत अगर करण के बारे में बता दिया जाए तो पिंडलियों में कंपन पैदा हो जाएगी। इस करण की बदौलत ही तुम जीवित खड़े हो। करण जिसके पास में ऐसा कवच था कि जिसको छेदने वाला कोई बाण नहीं बना था लेकिन छेद और भेद की बात तो बाद में है महाराज पहले सच्चाई से अवगत कराइए मेरी बात सुनिए। अच्छा यूं सच्चाई ना है ना क्या सुन सौ करणों से नहीं डरूं तीन लोक पांच से अटके बात कहां हृदय में धरूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की मुर्जी पे अरे हनुमान रथ की मुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया तीन लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया तीन लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया हो देख के भूल गया ओ साण रे ओ साण रे देख के भूल गया ओ सौ कर्णों से लड़ने का जिक्र किया था अर्जुन जी तो सुन हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया शेष
नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते अर्जुन तू 100 कर्णों को मारने की बात कर रहा, पर देख हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया, देख तीनों लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। हनुमान जी शेष नाग और कृष्ण के होते हुए भी तेरे रथ को तीन कदम पीछे हटा दिया। अगर इन देवी देवताओं का पहरा तेरे रथ से हट जाए और कर्ण ने अपने बाण का प्रहार इसी वेग से तेरे ऊपर कर दिया तो फिर तेरी क्या दशा होगी, तू समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता हूँ। समझ गया, सच्चाई को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वह आपने खोल दी है और सच्चाई से रूबरू करा दिया है। महाराज वाकई कर्ण बहुत बड़ा धनुधारी योद्धा है और दानवीर है। तुझे क्या पता दानवीर है? ना मुझे हर चीज की पता है। हर चीज की पता तो फिर इतना जो अहंकार क्यों दिखा रहे थे? इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था महाराज। अच्छा, क्योंकि मैंने कर्ण के रथ को उस समय इसी रण क्षेत्र के अंदर 30-30 कदम पीछे हटाया था। लेकिन 30 कदम रथ पीछे हटाने का कोई फायदा नहीं, 3 कदम में देख ले अब तू कितने पीछे हट गए। हाँ बिल्कुल। अब क्या चाहते हो? ये चाहता हूँ कि इस कुरुक्षेत्र के रण मैदान में मुझे जीत का मार्ग मिले। जीत का मार्ग? और कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो। प्राणों की रक्षा में तो श्री कृष्ण जी महाराज बैठे और जीत का मार्ग अर्जुन को क्या बता रहे हैं, चौथी कली में सुनेंगे कैसे। रोशनी चचा जो प्रभु जानते हो हाल चाल, माया का रचा जो प्रभु भूलू ना मैं तो भूलू ना दिखे भूलू ना ऐसा न जान, मेरी इस करण से बचा जो प्रभु भूलू ना ऐसा न जान मेरी से बचा। क्या शर्म की होगी लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी होते चित चिंता ने मेट रे हा मेट रे दे चित चिंता।